मात शीतला स्मृति ए जी धरू गुरु का ही ध्यान आज कंठ में सुबे जइयो मम ज्ञान कीरति सिंह गुरुदेव की ए जी चरण नवाबों सी हरि गिर स्वामी मेरी तुम पीती रहो असीस जमिल रेती में तपी ए जी एक हरि गिर संत जो जन जाए दर्शन करी सुहो पाप का अंत आरे बैठी बिंदिया चल की बैठी बिंदिया चल की घाटी में मेरी मात रतनगढ़ बारी चल की घाटी ने मेरी मात रतन गढ़वारी मात रतन गढ़वारी मैया मात रतन गढ़वारी बिंदिया चल की घाटी में मेरी मात रतन गढ़वारी वीरेंद्र सिंह मैया तुम्हें नहीं भूले वीरेंद्र सिंह मैया तुम्हें नहीं भूले सदा माता तेरी चरण झूले सदा मात तेरी चरण झूले के प्यारी जगत ज्योति जहरा पी मेला लगे रहो ध्वज दीवारी चल की घाटी में मेरी मात रतन गढ़वारी आपरंबारी भवन पे बैठो या जाना हर बारी तेरी पसंद नवका डारी में ककरिया सिंह सवारी ए लखिया पर मैं मात भवानी राजा नल ने मनाई और जीत कराए दई नरबरिया की नाक चुदीर लगाई ए मां भारत में पायर चुन को बजो जीत कोई डंका और तेरे बल पे हनुमान ने ठोकी जलाए दई लंका
नौजवान साथियों, प्यार करने योग्य बच्चों, हमारी भूमि पर पड़ने वाली सती अनुसुईया और सीता जैसी माता बहनों, आइए मेरे भगवत प्रेमियों, आज मैं जगदम्बे कैसेट के माध्यम से आप लोगों के बीच में बाबू देव भक्त देव हंस लीला कहने के लिए जा रहा हूं। और इस हमारी जगदम्बे कैसेट की प्रस्तुति करते हैं मुकेश कुमार सेन और सेन निर्माता मनोज कुमार नागर। तो लगाइए ध्यान, हमारे म्यूजिक को सजा रहे हैं आगरा के मशहूर कलाकार वीरू पांडे जी, और हमारी रिकॉर्डिंग करता ईगल स्टूडियो आगरा बंटी भाई। तो लगाइए ध्यान, मैं इस कथा को कहां से शुरू करता हूं। और एक बार बड़े प्रेम से जयकारा बोलेंगे, बोलिए बाबू महाराज की। लगाइए गौर मेरे भगवत प्रेमियों, कलयुग में गाता उनकी गाता हूँ, अपराध क्षमा कर ना स्वामी, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। वंदना आपकी करता हूँ, हे स्वामी मुझ नादान पर कृपा करना, मेरे मुखारविंद से ऐसा कोई शब्द नहीं निकले कि मैं ऐसा पावन पवित्र इतिहास कहने के लिए जा रहा हूँ। हे स्वामी मेरी सहाय करना। और क्या भैया आपने, हे स्वामी मुझे भरोसा है आपने किस किस भक्त की लाज बचाई। तुमने ही गगन सिया को स्वामी, और पूरा पंस चलाया की, तुमने ही धामी मुक्त करी और क्या किया है ये स्वामी।
दिन में जीवित गाय गड़वा दी थी, तो स्वामी आपने ही गाय और बछड़ा की रक्षा की। और क्या, वो आपने ही राम रेत की पे बाबा प्राण गिर के मुखार में यानी तन में रम के बछड़ा को जीवित किया था। और क्या, तुमने एक लकड़ी बेचा प्रभु तुए दारू बनाया जी, तुमने स्वामी तुम गई कैद छुड़वाने स्वामी आपने इनकी रक्षा की। और अब लगाइए ध्यान, में कथा शुरू करता हूं। कहां का भक्त था देवहंस और क्या कार्य करता था। ए देवहंस सुन नाम भैया वीरू पांडे जी दत्ता कह के मैं एक ऐसे भक्त की कथा कहने के लिए जा रहा हूं जो सबको प्रिय है। ए देव हंस सुख नाम पुटिन्ना काम सुनो धरी ध्याना ताप गरा बतै के बंस पास में गांव था। बगरावत के वंश में से गुर्जर गोत्र कसाने देवहंस कंसाना था। और उसकी स्थिति क्या थी भैया रचना। ए तिल दुखी कंगा लगौने को वाला अरे अलग को प्यारो में देखने के लिए जाता था। एक दिन लकड़िया बांध के और किस प्रकार से चलो है भैया, ए तरे गठरिया शीश वीरू पांडे जी ए तरे गठरिया शीश दौलपुर आयो की और राज महल के पास कनक बिरमायो तीस पे लकड़ी धर के देवहंस दौलपुर रानी केसर के महल के पास विश्राम करने लगा। और का भैया, मौसम कैसो, ऊपर से बरसे पानी को खाने में सीखे रानी
रही थी। बढ़िया घोष बाबू महाराज के भजनों में मग्न हो गया देवहंस। एक बार बड़े प्रेम से जयकारा बोलेंगे, बोलिए बाबू महाराज की। नाम था, देख के भक्त के भजन सुन के रानी भक्ति रस में डूब जाती। भक्ति रस डूबी रानी सुनी देव हंस की वाणी। जवाब दिया, इसे हमारे पास लाओ। और पास में देवहंस और मन में सोचता हुआ जा रहा, हे भगवान मुझसे क्या गलती हो गई जो रानी मुझे बुला रही है। और क्या वो भैया, आरे देवहंस बुला वाई रे तब के न लगी महारानी। भैया ओ मेरे बरोबर के भाई जगमोहन, देवहंस को बुलवा के रानी क्या कहने लगे। कौन सा गांव है, क्या नाम है और क्या बोलूं भैया।
वो लकड़ी बेचा दियो साथ बताई, एक करण नौकरी चाहे कमल सिंह नौकर ले भी बनाई। लाला अच्छी तनखा बने बिना तेरे सुख में कट जागे, तनखा मिले बिना पे सुख में कट जानी। Yeah.